अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पंडित जी, ये सारे कपड़े परिवार के सभी लोगों में बांट दीजिए, और ये साड़ी खास करके मिस्टर अग्निवंशी की माँ के लिए। पर बिटिया, इसमें ऐसा खास क्या है? इसमें अलग से ये मोती लगवाए गए, और इन मोतियों में एक स्पेशल धूल है। पर इसमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है बिटिया। वो कोई आम धूल नहीं है, इसे देखने के लिए उसका अलग चश्मा है। धन्यवाद। हर हर महादेव। आज तो मां आप खुद ही मुझे निहार कर दी और मां तक पहुंचाने वाली। जय शिव ओंकार, प्रभु हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार। कौन है आप और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? ये लोग मुझे मार देंगे, महक प्लीज मुझे बचा। नहीं बोलूंगी मैं, कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे यहां से जाने दो प्लीज। महक, तुम यहां? ये लोग मुझे मार देंगे, महक प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। कौन है आप और आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मंडे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए।
ये तो महक के फोन की रिंग है, हो ना हो वो मेरा पीछा कर रही है। अब देती हूँ मैं उसको चकमा। चौटाला, तुम्हारे बॉस की माँ की इज्जत खतरे में है। अब वक्त आ गया है प्लान की शुरू करने। मैंने जैसा तुम्हें समझाया था कि इमरजेंसी में क्या करना है ठीक वैसे ही करना। अब तुम भी इसमें ले जाओ। बोलोगी क्या हुआ? वो माँ, मैं वो आप आरती से इतनी जल्दी आ गई, ना आशीर्वाद लिया ना टीका लगाया, तो मैं बस देखने आ गई थी सब ठीक तो है ना। मैं तो यहाँ चुनरी लेने आई थी, और तुम्हें मेरी फिक्र तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो मेरा कहना मानती और विक्रम से शादी कभी नहीं करती। तो ये तो तुम बोलो ही मत, मेरा पीछा कर रही थी? नहीं, छोड़ो, टीके और आशीर्वाद का वक्त हो गया है, चलो। ये लोग मुझे मार देंगे, मैं प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। त्रिशा के पापा के वीडियो में तो माँ थी, उन्हीं ने त्रिशा के पापा को मारा था, लेकिन जब ये निहारिका दी के टॉर्चर का वीडियो आया तब तो माँ मेरे सामने ही थी। माँ बहुत शातिर, शायद कोई आदमी है जो उनकी मदद कर रहा है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिएगा निहारिका दी और माँ का पता लगाने में। प्लीज मुझे जाने दो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, और अब तो मैंने बोल भी दिया है ना कि जो सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वान साधिके सर नेत्र मगे गोरी नारायणी नमस्ते। लाइए पंडित जी, सबको आरती दे देती हूँ। हाँ जी। सासू माँ, मुझे लगता है कि सबको आरती महक को देनी चाहिए। क्यों त्रिशा, तू और एकांश इनसे बड़े हैं, तो इस हिसाब से तुम दोनों को पहले आरती देनी चाहिए। रानी दी, हम सबसे बड़े हैं तो क्या हुआ? ये पूजा तो महक ने रखवाई है ना, हम तो सिर्फ आरती में आए हैं ना, तो जिसने ये पूजा रखवाई है ये आरती भी उसी को देनी चाहिए। त्रिशा बिल्कुल ठीक कह रही है, महक तुम ही सबको आरती दे दो। लो महक। ये त्रिशा के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वो इतनी अच्छी नहीं कि महक को सबके सामने इतने अच्छे से आरती देने दे। लेकिन क्या चल रहा होगा त्रिशा के दिमाग में? पूरे घर को भी दिखा दो, आखिर तुम भी तो इस घर की बहू हो ना।
मैं महक मेरी बीवी को छोड़ो। मिस्टर मुखर्जी आप क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। क्या कर रहे हैं कांच? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, वो भी मेरे सामने? गले कैसे लगाया तुमने उसे? और तो तुमने नारियल क्यों फेंक दिया आरती की थाली में से? तुम कर क्या रहे हो? एकांश बोलो कुछ। बोलो एकांश वरना। बोलो मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया तुमने? इसलिए उसको थैंक यू बोलने के लिए मैंने उसे गले लगाया। और रही बात नारियल की, तो वो नारियल मैंने आश्रम में पहुंचा दिया क्योंकि वो हमारी घर की पूजा का नारियल। इससे ज्यादा सफाई मुझे नहीं दे, इसको जो समझना समझ सकता। क्या घटिया रीजन दिया ना तुमने मेरी बीवी को गले लगाने का? तुमने उसे हाथ लगाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एकांश तुम पीछे हट जाओ ना, छोड़ दो उसे। बस करिए आप दोनों, जब देखो तब आप मेरे लिए लड़ते रहते हैं। मैं थक चुकी हूं आप दोनों से। आप लोगों ने मुझे अपना खिलौना समझ लिया है। जब देखो तब दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं मेरे लिए, बिना ये सोचे कि घर में चल क्या है। किसी ने भी सोचा कि घर में पूजा रखी गई किसी खास वजह से रखी? अब आप दोनों कान खोल करके सुन लीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम पर कोई भी झगड़ा करे, फिर चाहे वो मेरे पति ही क्यों। क्या चल रहा है एकांश और मैं के बीच में? ये चल क्या रहा है? कभी वो उसको तलाक देता है तो कभी हम सबके सामने उसको गले लगाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? एकांश करना क्या चाह रहा है? विरीम विरीम, इस समय जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उस पर ध्यान रखो। एकांश और महक के साथ हमारा क्या लेना देना? कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लेना देना? ये भाई है छोटा मेरा। ओ बड़े भाई, याद है ना कि तुम्हारे छोटे भाई को कितना बड़ा झटका देने वाले हम लोग?
हाँ, तो ये छोटे भाई की चिंता छोड़ो ताकि तुम्हें उसके टुकड़ों पर पलना ना पड़े, अपना जीवन अपने हिसाब से जी सको बस। और अब जो हमारे लिए सही है हम वो करेंगे। सही कह रहे हैं आप, बहुत कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए एकांश, लेकिन तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं सोचा। बहुत नाच लिया तुम्हारे इशारों पे, पर अब नहीं चाचू, अब मुझे मेरी लाइफ के डिसीजन खुद लेने। शाबाश, एक मिनट। बोलोगी क्या हुआ? अरे गिटार का बॉक्स तो रात को पार्टी के वक्त चेंज करना है ना। विवेक, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, आज मौका है। हम लोग ये हीरों की चोरी कर लेते हैं, जब तक यहाँ लोगों को पता चलेगा तब तक हम लोग लंदन में होंगे। सही कह रहे हैं चाचू, एकांश के स्टडी रूम में चल के इसको अभी बदलते। चलो सलीसा चलो। एकांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस महक को सबके सामने गले लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नारियल में बॉम्ब रखने की? जब तक वो तुम्हारे और मेरे बीच है ना, तब तक हम कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए उससे मरना ही होगा ताकि हम दोनों एक हो सके। मैं और तुम कभी एक नहीं हो सकते त्रिशा। तुम्हारे लिए लड़ भी नहीं सकता। अरे पूरी दुनिया के लिए मैं तुम्हारा पति हूं, पर मैं नहीं देख सकता वो एकांश को ऐसे तुम्हें गले लगाते हुए। वो कैसे कर सकता है? और तुमने कुछ बोला क्यों नहीं उसे? पूरे परिवार के सामने तुम्हें टच कर रहा है, तुम्हें हक कर रहा है, वो भी मेरे सामने। तुम सोच क्या रही हो? कुछ जवाब तो दो। बोलोगी क्या हुआ? मुझे तो मेरे पति ने सबके सामने गले लगा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो आज भी मेरे पति हैं। अच्छा, तो तुम अभी भी दिल से उस महक से प्यार करते हो? एकांश, तुम्हारी माँ की वजह से पहले मैं अनाथ हुई और अब तुमने मुझे प्यार का झांसा दिया, मुझसे शादी की और फिर दिल से मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। एकांश, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कभी सोचा है अगर वो बॉम्ब फट जाता तो हमारे परिवार वालों की जान जा सकती थी, ये घर टूट सकता था, और तुमने ये कांड करने से पहले सोचने की जरूरत भी नहीं समझी कि इसका नतीजा क्या हो सकता था? जब मेरे सर पे खून सवार होता है तब मैं नतीजे के बारे में नहीं सोचती हूँ एकांश। ये क्या है त्रिशा? ये तो तुम्हारी दवाइयां है ना, और तुम मुझसे झूठ बोल रही थी कि तुम दवाइयां खा रही हो, इसीलिए तुम हद से ज्यादा गुस्सा कर रही हो और इतने बड़े कारनामे कर रही हो। सॉरी विक्रम, पर यही सच है। सुबह से मेरे अंदर कुछ बदलाव है। कैसे
आगे से मतलब महक? आप 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। शायद ये सही समय नहीं है तुम्हें बताने का, लेकिन अब मैं दिल और दिमाग दोनों से मिस्टर नीवंशी की पत्नी हूँ। मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, ना ही मैं तुम्हें धमका सकता हूँ, क्योंकि ये दिल का मामला है। और जब दिल के फैसले लेने होते हैं ना, वो धमका कर नहीं लिए जाते। लेकिन अगर सच में तुम एकांश ही हो दिल से, मैं आज पार्टी के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। एकांश, मुझे दवाइयाँ अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं खा सकती इन्हें रोज रोज। ठीक है, मत खाओ दवाइयाँ। अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा और ना ही इस कमरे में तुम्हारे साथ रहूंगा।